हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मुकेश कुमार ट्यूटोरियल पर। और आज हम देखेंगे 12 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन, जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस। तो सभी शिफ्टों में, ऑल शिफ्ट में एसएससी ने क्या पूछा है, और ये दोस्तों सभी 100% रियल क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक बार पूरी देखिएगा। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन सेल थ्योरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जाएगा, सेल थ्योरी किसने दी थी? तो दोस्तों सेल थ्योरी जो 1838 में दी थी, वो दी थी मैथियास जेकॉब स्लाइडेन ने, और 1839 में थियोडोर श्यावान ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सभी को पता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्लू विट्रियोल, ये क्वेश्चन पूछा गया, ब्लू विट्रियोल का रासायनिक फार्मूला बताइए। तो दोस्तों ब्लू विट्रियोल का रासायनिक फार्मूला है कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने शुरू किया था, और कब शुरू किया था? तो 1917 में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों डे से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डे को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेज को करके जाइएगा। तो इसका सही आंसर है, टीबी डे कब मनाया जाता है? तो टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों 2020 की जो टीबी डे की थीम थी वो थी इट्स टाइम, और जो 2021 की थीम थी वो थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नदियों के किनारे बसे शहरों से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी एक बार कर लीजिएगा अच्छे से। तो यमुना नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताओ। तो दोस्तों यमुना नदी के किनारे काफ़ी शहर हैं, काफ़ी शहर बसे हुए हैं। अब वो एग्जाम ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो आप सभी को याद कर लीजिए, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, ये सभी शहर जो हैं वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सरयू नदी के किनारे बसे शहर का नाम। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम आप ज़रूर याद करके जाइएगा। एक एक दो दो क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दर्रे से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जोजिला दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और कारगिल जिले के पास स्थित है, कारगिल जिले में, जो कि दर्रा कश्मीर की घाटियों को अपने पश्चिम में द्रास शुरू से घाटियों से जोड़ता है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों बैंक से क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने बैंकों को मर्ज किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दो, यानी दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में जोड़ा गया है। कौन कौन सी बैंक हैं? देना बैंक और विजया बैंक। दोस्तों देना बैंक और विजया बैंक, दोस्तों ये क्वेश्चन RRB NTPC में भी पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं SSC रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, SSC CHSL में रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया अगला, ग्लोबल हंगल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देश शामिल थे, जिसमें 94 यानी 94वें स्थान पर रखा गया है भारत को, यानी भारत की रैंकिंग कितनी है? 94। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये तो सभी को पता ही होगा, 30 जनवरी को, इसलिए मैं कह रहा हूँ डे को अच्छे से याद करके जाइएगा, डे और नदियों के किनारे बसे हुए शहर, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री जो बनी है वो किस देश की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस भारतीय राज्य की है? तो सभी को पता है केरल की है, कितनी है? 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दोस्तों बुकों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
पाथवे टू गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा, काजू की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मृदा है यानी मिट्टी है, उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका सही नाम है सैंडी लॉमी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल। अगला क्वेश्चन है, ब्लू मिटियोर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, किसको कहा जाता है? कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने भारत की टेस्ट मैच की कप्तानी की है? सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने भारत की टेस्ट मैच की कप्तानी की है? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली ने। हाल ही में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है उमेश सिन्हा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका सही आंसर क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं और इसके साथ साथ फूड फूड के भी हैं, फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडस्ट्री उसके भी ये केंद्रीय मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर, और उसका नाम है ओमकारेश्वर डैम। उसका क्या नाम है? ओमकारेश्वर डैम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध के पाचन के लिए शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेनिन। और दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है और दोबारा पूछे जाने की इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AMR का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म है एंटी माइक्रो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका क्या है फुल फॉर्म? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टेम्पररी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों इसका एक्सटेंशन है .TMP। दोस्तों एक्सटेंशन के पहले ये डॉट लगाना ज़रूरी है, तो इसका आंसर .TMP भी है और .TEMP भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में। और किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिनों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल और बी का नाम है थायमिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? तो ये है क्षमा दान करने की शक्ति से, जो राष्ट्रपति के पास क्षमा दान करने की शक्ति होती है उससे संबंधित है ये आर्टिकल 72। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों ये फिनलैंड की हैं और इनका नाम है सना मरीन समरीन इनका नाम है। ये सबसे कम उम्र की यानी युवा प्रधानमंत्री हैं और किस देश की हैं? फिनलैंड की। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे पेमेंट कार्ड कॉन्टैक्ट लेस किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों खेलों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वर्डी शब्द जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित है। किस गेम से संबंधित है? गोल्फ से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बनाई बनी है? तो तेलंगाना की जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है हेमा कोहली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
तो दोस्तों इसी प्रकार डेली की अपडेट पाने के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और रियल क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल मुकेश कुमार ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, थैंक यू।